सो इफ यू कम इन टू कैरो बी रेडी, यू हैव टू बी अ पेशेंट पर्सन, क्योंकि आपको बहुत बहुत ज्यादा वेट करना पड़ता है एंटीजन टेस्ट रिजल्ट के लिए, जो कि अराउंड 5 या फिर अप टू 7 आवर्स भी लग सकते हैं। Hey guys, please like and subscribe to my channel. Show some love. Press the bell icon. I'm a new YouTuber, new vlogger. Shit, यार गलत कर दिया इसको। जब तक big, I already regret my decision. You know what the bell icons mean, right? खिलौना बर्बादी की तरफ ले जाएगा इसको। भीख मांगनी पड़ रही है गाइस, कम ऑन प्लीज स्मैश दैट लाइक बटन, स्मैश, शो द यूट्यूब एल्गोरिथम वी आर द बेस्ट चैनल, स्मैक दैट, गिव मी मनी। चलो साइनिंग आउट, दिस गाइस आर नो फन, बाय, आई विल सी यू इन द एयरपोर्ट, चाओ। ओ माय मास्क। हेडिंग टुवर्ड्स गेट नंबर 12 नाउ। एज अ सेट बहुत बहुत ही खाली एयरपोर्ट है, बस इमिग्रेशन और सिक्योरिटी में, मतलब चेक इन के टाइम ज़्यादा टाइम लगा, भीड़ बहुत थी। देवर चेकिंग माई डॉक्यूमेंट्स, माई फ्लाइट टूवर्ड्स कैनेडा, माई होटल बुकिंग्स फॉर कायरो, टुक मी अराउंड 1 आवर, 1 घंटा लगा मुझे, और बस ज़्यादा मतलब खाली एयरपोर्ट, ज़्यादा लोग नहीं है, भीड़ भाड़ नहीं है। आई थिंक देर आर लेस इंटरनेशनल फ्लाइट्स गोइंग नाउ। सिंपल प्रोसेस, जस्ट इमिग्रेशन एंड चेक इन, यही ज़्यादा टाइम लेता है अभी फिलहाल। तो अभी आसपास कोई है नहीं तो मैंने मास्क निकाल दिया है, बट सरियल एक्सपीरियंस। बस कुछ एडवाइस है उन लोगों के लिए जो कनाडा जाना चाहते हैं डायरेक्ट रूट से, जब भी आप एयरपोर्ट आएँ, जस्ट ब्रिंग योर डॉक्यूमेंट्स विद यू, बी थरो, बिकॉज चेक इन में बहुत टाइम लगता है अगर आपके डॉक्यूमेंट्स आपके पास नहीं है, जैसे आपके होटल बुकिंग्स, फ्लाइट की बुकिंग्स ऑनवर्ड्स फ्रॉम वेयर एवर द सिटी यू आर ट्रांजिटिंग फ्रॉम, जिस भी कंट्री आप ट्रांजिट लेना चाह रहे हो या फिर आप जिस भी कंट्री रुक रहे हो, उसके बाद कनाडा की फ़्लाइट की टिकट्स, आपका RT-PCR, उसके फोटोकॉपीज, डू ब्रिंग दैट, उससे आपका थोड़ा टाइम बचता है और बाकी पैसेंजर्स का भी बचता है। इट्स गोना बी अ लॉन्ग डे, जैसे आँखों से दिख रहा होगा, आई हैवंट स्लेप्ट मच, ज़्यादा सोया नहीं मैं, थोड़ी नींद है आँखों में, कोशिश करता हूँ फ्लाइट में सोऊँ, थोड़ा नींद भगाऊँ। स्टे ट्यून्ड, आई विल शो यू माई रेस्ट ऑफ द इनडायरेक्ट कनाडा जर्नी। सो गाइज, फाइनली मैं अपने लेवर डेस्टिनेशन पे आ गया हूँ, कतर दोहा। यहाँ पे मेरा 3 घंटे का लेवर होगा और इसके बाद मेरी फ़्लाइट जाएगी सीधा कायरो, जहाँ पे मैं 4 दिन रुकूँगा कनाडा जाने से पहले। बहुत ही बड़ा एयरपोर्ट है, बड़ा सुंदर है, कम लोग हैं जैसे दिल्ली एयरपोर्ट में था, ज़्यादा लोग नहीं है, बट अच्छा एयरपोर्ट है, साफ़ सुथरा, बड़ा, शांत। तो अभी इधर 3 घंटे वेट करते हैं, रिलैक्स करते हैं, फिर जाते आगे की फ्लाइट में। सो गाइस, सोचा मैंने आपको एक क्विक अपडेट दे दूं। आई एम फाइनली इन कायरो, आई मीन माई होटल दैट आई बुक थ्रू थॉमस कुक। तो आपको थोड़ा कायरो के बारे में बताता हूँ, बड़ा टफ एक्सपीरियंस था। आपको अगर आप कायरो से आ रहे हैं तो आपको रेडी होना पड़ेगा, आपको 5 या 6 घंटे तक वेट करना पड़ सकता है, बिकॉज अपेरेंटली कायरो में आती आपको एक एंटीजन टेस्ट करवाना पड़ता है। एंड प्लीज़ 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 डू ब्रिंग US dollars टू पे फॉर दैट टेस्ट, अदरवाइज आपको कैनेडियन डॉलर्स एक्सचेंज कराने में टाइम लगेगा और उधर आपके पास कोई फैसिलिटी नहीं होती, दे आर नॉट मेनी बैंक्स टू एक्सचेंज योर इंडियन रूपी और कैनेडियन डॉलर्स इन टू इजिप्शियन पाउंड और USD, तो उधर एक लंबी लाइन लग जाती है। मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ। आई लेफ्ट द एयरक्राफ्ट, हम एयरक्राफ्ट से निकलते ही देर वॉज अ बिग लाइन,
वहाँ पे दे वर चेकिंग योर पासपोर्ट एंड द फॉर्म दैट यू फिल्ड टू डिक्लेयर अबाउट योर नेगेटिव आरटीपीसीआर टेस्ट दैट यू टुक फ्रॉम इंडिया कि ऑल फैक्ट्स आर करेक्ट एंड ट्रू. उसके बाद क्या होता है, दे टेक योर पासपोर्ट इफ यू आर इंडियन, दे टेक योर, दे कीप योर पासपोर्ट. वो आपका पासपोर्ट रख लेते हैं और आपको कहते हैं चाहिए वेट कीजिए नीचे. तो आपका पासपोर्ट आपके पास होता नहीं है, आप वेट करते हैं नीचे. नीचे एक लंबी लाइन मिलेगी अगर आप बाकी स्टूडेंट्स के साथ ही आएंगे, आई एम श्योर, तो एक लंबी लाइन लग जाएगी टेस्ट कराने के लिए. आपको पेमेंट करनी पड़ती है $65 या फिर 1000 Egyptian pounds. वो पेमेंट के बाद आपको एक रिसीट मिलती है, फिर आप टेस्ट कराने जाते हैं जो एक अलग रूम में होता है. टेस्ट नेजल स्वॉप टेस्ट ही होता है, आपके नाक के अंदर वो कॉटन बड डाल के जो करते हैं. उसका रिजल्ट आपको काफ़ी टाइम बाद मिलता है, अराउंड 3-4 hours. और अगर आप किसी टूर्स एंड ट्रैवल किसी पैकेज के साथ आ रहे हैं, जैसे आपके साथ और स्टूडेंट्स हैं, तो जब तक सबका नहीं हो जाता तब तक आप एयरपोर्ट छोड़ नहीं सकते, बिकॉज आपका सबके साथ पैकेज है. आपकी बस एक ही टाइम पे निकलेगी उन सबके साथ. मेको अराउंड मैं आई रीच द एयरपोर्ट एट 5. हमारी फ्लाइट लैंड की थी 5 बजे. एंड आप मानेंगे नहीं, मैं एयरपोर्ट से होटल आते आते द टाइम वॉज 10:30 PM. मतलब 10:30 बजे मैं पहुंचा अपने होटल. एज सून एज योर एंटीजन टेस्ट इज नेगेटिव, वो आपको कोई रिपोर्ट नहीं देते, कुछ नहीं देते, जस्ट टेक $65 और आपको वापस पासपोर्ट दे देते हैं. आई डोंट नो व्हाट दे चेक या फिर उनका कमाने का तरीका है, समथिंग लाइक दैट. बट उसके बाद इमिग्रेशन प्रोसेस वॉज स्मूथ, नो क्वेश्चन, दे जस्ट स्टैम्प योर पासपोर्ट अगर आपके पास इजिप्ट वीजा है, जो कि होगा आई एम श्योर. फिर उसके बाद हम होटल आए बस से. एक अच्छी बात थी कि होटल का डिनर खत्म हो जाता है, बट स्टिल हमें डिनर दिया गया. हमारे पैकेज में डिनर था, बट वी आर स्टिल प्रोवाइडेड डिनर एट 10:30 PM. हम आई गेस अराउंड 25 स्टूडेंट्स होंगे, तो सबका चेक इन हुआ, डिनर हुआ. मैं होटल आती आई स्लेप्ट एट 12, आई क्रैश्ड. तो बस आपको एक रियल एक्सपीरियंस देना था मेरे नज़र से कि इनडायरेक्ट रूट की क्या सच्चाई है. आप अलग अलग ऑप्शंस ढूंढ रहे होंगे आई एम श्योर, उसमें से कौन सा बेटर है वो आप ही जज कर पाएंगे. मैंने तो अपने लिए कायरो किया था. मेरे को एंटीजन टेस्ट का भी बाद में पता चला जब मेरा सब बुक हो गया था कि एंटीजन टेस्ट भी कुछ होता है. सो इफ यू कमिंग टू कायरो, बी रेडी, यू हैव टू बी अ पेशेंट पर्सन, क्योंकि आपको बहुत बहुत ज्यादा वेट करना पड़ता है एंटीजन टेस्ट रिजल्ट के लिए, जो कि अराउंड 5 या फिर up to 7 hours भी लग सकते हैं. सो जस्ट बी केयरफुल अबाउट दैट. तो बस यही कुछ एक्सपीरियंस मेरे को आपको बताना था जो मैंने शेयर कर दिया है. और इसी के साथ मैं अपनी पार्ट 1 वीडियो खत्म करता हूँ. कायरो के आगे की जर्नी में अपनी पार्ट 2 वीडियो में डालूंगा, तो प्लीज साथ बनिए रहेगा, उसको देखिएगा. मेरी फ्लाइट अब कायरो से जाएगी फ्रैंकफर्ट लेओवर, फिर उसके बाद मॉन्ट्रियल, फिर मॉन्ट्रियल से मेरी एंड डेस्टिनेशन होगी विनिपेग. वो मैं आगे शूट करूंगा और आपको दिखाऊंगा मेरी आगे की जर्नी कैसी है. सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई फर्स्ट वीडियो एवर, एंड आई होप यू स्टे विद मी फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. आई प्रोमिस आई विल कीप पोस्टिंग न्यू वीडियोज इन कैनेडा. मैं अपने कैनेडा की जर्नी भी आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि कैसे एक न्यू स्टूडेंट जो जाता है वो कैनेडा में कैसे सर्वाइव करता है, क्योंकि आई नो मेरे भी खुद के बहुत क्वेश्चंस है और आपके भी होंगे. सो प्लीज़ साथ बनी रहेगा, एंड डू वॉच आउट फॉर माई न्यू वीडियोज़.